जहां स्वतंत्रता दिवस पूरे देश भर में मनाया जा रहा है, तो उसी के तर्ज पर लुधियाना के गुरु नानक स्टेडियम में भी स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां पंजाब के कैबिनेट मंत्री भारत भूषण आशू ने झंडा फहराने की रस्म अदा की। इसके उपरांत वहां मौजूद लोगों को संबोधित करते हुए भारत भूषण आशू ने कहा कि पंजाब सरकार पंजाब के विकास के लिए हर प्रकार के कार्य कर रही है। खासकर उन्होंने लुधियाना में किए जा रहे विकास कार्यों का जिक्र किया और उन्होंने सभी को 74वें स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं भी दी। अज असी 74वां आजादी दिवस मना रहे हाँ। मैं इस मौके पर सारे लुधियाना निवासियों पंजाब निवासियों हार्दिक बधाई देना। अज जदों कोरोना के इस दौर में असी सब गुजर रहे हाँ, मैं उम्मीद करता हाँ कि जिस हौसले से हिम्मत नाल असी आजादी की लड़ाई जीती सी, उस तरह असी कोरोना की लड़ाई में भी जल्द हरा देवे। पंजाब गुरुआं पीरां पैगंबरां की धरती है, तो इस धरती से अलग अलग लहर साडे योध्या ने शहीद आजम सरदार भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव, सरदार करतार सिंह सराभा, मदन लाल ढींगरा, लाला लाजपत राय, शहीद ऊधम सिंह ते होर आजादी घुलाटियों वालों समय समय से रोले गए संघर्षा कारण ही असी आज आजाद मुल्क के वासी हाँ। सानू माण है कि देश के दे आजादी संघर्ष दौरान पंजाबियों दी कुर्बानियां सब तो ज़्यादा रही, देश नूं आजाद करवाने लई शहीद होए कुल आजादी घुलाटियां विच तकरीबन 80% योगदान पंजाबियों का रहा, तो उहदे विच भी लुधियाना बहुत वड्डा योगदान पाउंदा रहा। शहीद करतार सिंह सराभा, शहीद सुखदेव, लाला लाजपत राय, पंजाब केसरी, इन्हां दे नाम उके तौर पर ले जा सकते। आजादी के इन्ने साल बाद देश के दे आवाम का जीवन पद्धर उच्चा चकन लई हाले भी बहुत कुछ करन दी लोड़। पंजाब सरकार वालों पिछले 3 साल विच राज दे लोकां दे जीवन म्यार नूं उच्चा चकन लई सिर तोड़ यतन किए जा रहे। हालांकि करोना ने पूरी दुनिया के विकास की रफ्तार रोक दिती है, पर सानू माण है साडे मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह जी की रहनुमाई विच पंजाब सूबा अज खेतीबाड़ी, बिजली, बुनियादी ढांचा, शहरी विकास, पिंडां दे सर्वपक्षी विकास, सिक्ख्या, सेहत, सनत, नागरिक सेवावां अते VIP कल्चर खास तौर पर खत्म करके अपना नाम खट रहा है। जिस तरह असी करोना खिलाफ जंग लड़ी अते लड़ रहे हाँ, इस दे सार्थक नतीजे भी जल्द ही साडे सारियां दे सामने होणगे। साढ़े गुरु साहबां वालों दित्तियां सिक्ख्यावां का नतीजा है कि मुख्यमंत्री साहब कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार हर वर्ग के विकास लई अणथक कोशिशां कर रही है। विश्वव्यापी करोना संकट के मद्देनज़र पंजाब सरकार वालों सूबे के नागरिकों की म्यारी सेहत संभाल सहूलत देने दे नाल उन्होंने लाजमी वस्तां की सप्लाई भी यकीनी बनाई है। सरकारी मुलाजम ते समाज सेवी करोना वारीअर वजों विचर के इस बीमारी की लड़ी तोड़न अहम भूमिका निभा रहे हैं। मैं इतने विशेष तौर पर डॉक्टरी अमले, पुलिस के अध्यापकों को इलावा समुचे जिला प्रशासन का धन्यवाद करता हाँ कि वह इस संकट की घड़ी अपनी जान की परवाह ना करदिया लोगों की जान की राखी ले सिर तोड़ यतन कर रहे। सरकार ने जिथे लोगों मुफ्त सैनिटाइजर, मास्क से खाण पीण दस्तान घर में मुहैया की, उत्थे लोगों इस बीमारी खिलाफ़ जागरूक करके अपने सारे वसीले वरत के इस काम में लगाए ताकि लोगों अवेयरनैस पैदा कर सके। सूबा सरकार वालों
कैप्टन अमरिंदर सिंह जी की अगुवाई भी सब तो पहला लॉकडाउन लगाया, जिस नाल राज सरकार के इस क्रांतिकारी कदम नाल इस बीमारी की फैलाव को रोकने लिए काफ़ी हद तक मदद मिली। लॉकडाउन तो बाद जदों लोगों ने काम धंधे मुड़ शुरू करने से सरकार वालों उन्होंने भी मदद की गई तो लोगों ताकि लोगों की रोजी रोटी सुरक्षित की जा सके। सूबे के लोगों को बेहतर सेहत सहूलत देने लिए डॉक्टरी सिक्ख्या सेहत विभाग वालों वड्डे पद्धर से प्रबंध किए गए। पंजाब सरकार के यत्ना सदका सूबे में कोविड संबंधी टैस्टिंग समर्था को अगस्त महीने तक 22,000 प्रतिदिन वधा के किया गया। पटियाला फरीदकोट अमृतसर में प्लाज्मा बैंक स्थापित किए गए। टैस्टिंग समर्था वधाउण नाल सूबे 4 होर टैस्ट लैब्स खोलिया गई जिन्हों का पिछले दिन एक लुधियाने भी गणवासू विखे उद्घाटन किया गया। कैप्टन अमरिंदर सिंह जी की अगुवाई में जो वायदे साड़ी पार्टी ने 2017 सरकार आने तो पहला विधानसभा चोणों वेले किए से उन्होंने ज़्यादातर वायदे पूरे कर दिए गए। हुणे पिछले दिन 12 अगस्त को यूथ इंटरनेशनल डे से जो मोबाइल देने का वायदा सीगा सरकार का वो पूरा किया, जिदे नाल 2.25 लाख नौजवान साढ़े बच्चे जिन्हों ये सहूलत प्रदान की गई वह ये लाभपात्री हो। किसानों के मसीहा वजों जाने जाते मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह जी की अगवाई वाली साड़ी सरकार ने पिछलियां 7 फसल हथों हथ चुकाइया, 48 घंटिया जो की अदायगी की गई, जिसे 6 लाख के करीब किसानों इस अदायगी तो इलावा जी सब तो वड्डी डिमांड सी किसानों के कर्जा माफ़ी की, तकरीबन 6.25 लाख किसानों का 4700 करोड़ का कर्जा भी माफ़ किया। इस साल अप्रैल महीने कोरोना के पूरे जोड़ के होने के बावजूद मंडियों में किसानों किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आने दी गई। 127 लाख मीट्रिक टन कणक खरीद की गई, निर्विघन खरीद की गई। इस तो इलावा इस संकट की घड़ी जिथे सारे प्रदेश के लोगों का ख्याल किया गया उत्थे पंजाब जरा फूड बाउल ऑफ इंडिया के नाम नाल जाणिया जाता है, तकरीबन 85 लाख मीट्रिक टन अनाज मुल्क के आधा सूबों के बीच सड़क राही और रेल राही भेजा गया। पंजाब राज में कोरोना संकट दौरान सूबे 15 लाख तो ज़्यादा फूड पैकेट वंडे गए, जिहड़े मुख्यमंत्री जी के आदेशों अनुसार वो लाभपात्री जिहड़े स्मार्ट कार्ड होल्डर भी नहीं सन उन्होंने पहुँचाया गया। 141 करोड़ लोगों को आटा दाल चीनी प्रशासन की मदद नाल वंडी गई फूड डिपार्टमेंट के द्वारा। हुण स्मार्ट कार्ड योजना के 36 लाख परिवारों को कार्ड भी छेती दिते जा रहे। शहीदों के वारसों लई इस सरकार ने बड़े सुहिरद यतन किए। शहीद होए जवानों के परिवारक मैंबरों को 50 तो ज़्यादा सरकारी नौकरियां दित्तियां गईं ते वित्तीय मदद भी दी गई। पंजाब सरकार ने देश लई जान कुर्बान करने वाले बहादुर जवानों के परिवारों को मिलने वाली राशि 10 लाख तो वधा के 50 लाख की गई। 1962 ते 1971 दीआं जंगां दे शहीदां दीआं विधवावां लई मुआवजा जारी किया। यह मंग पिछले 42 सालों तो लटक रही थी। किसी भी देश कौम की उन्नति उत्थे ते पढ़े लिखे बच्चों ते निर्भर करती है ते सिक्ख्या दे खेत्र विच साडी सरकार ने अहम प्राप्तियां कीतियां। बाकी प्राप्तियां तो इलावा खास तौर पर जो इस हाल की घड़ी वित्तीय संस्थावां बंद सन, सरकार ने 12वीं तक सारे बच्चों की पढ़ाई मुफ्त सिक्ख्या मुहैया करवाने का फैसला किया। मुफ्त पुस्तक जारी की, घर घर रोज़गार योजना राही नौजवानों जिथे रोज़गार के वधेरे मौके दिते जा रहे हैं उत्थे ही सरकारी मुलाजमान के सेवा काल 2 साल का वादा खत्म किया गया ताकि बेरोजगार नौजवानों ज़्यादा तो ज़्यादा नौकरियां मिल सक। सरकार ने 58,000 के करीब सरकारी नौकरियां दित्तियां, निजी खेत्र में 4 लाख के करीब नौकरियां दित्तियां, 7 लाख तो ज़्यादा नौजवानों स्वै रोज़गार शुरू करने लई मदद की। साड़ी सरकार ने समाजिक सुरक्षा पेंशन 500 रुपये तो वधा के 750 रुपये की, जिसका 24 लाख के करीब लोग लाभ लै रहे। सेहत के खेत्र में साड़ी सरकार दीआं प्राप्तियां कई हैं।
पर मौजूदा समय कोरोना नाल जिझठन लई पूरा अमला फैला इहदे ते लगाया गया। अते मैं उन्हां सारे वारियर्स ते कोरोना योद्धियां नूं वधाई देना जिन्होंने इस औखी घड़ी च डट के सेवावां दित्तियां। लुधियाणे शहर का नुमाइंदा होण करके मैं सल्यूट करता शहर दीआं शख्सियतां, धार्मिक संस्थावां, सफाई कर्मचारियों, डॉक्टर, मैडिकल स्टाफ, अफसर साहबाना, NGOs नूं, हर एक उस अदारे नूं, हर एक उस व्यक्ति नूं जिन्होंने लॉकडाउन शुरू होंदे ही शहर वासियों की मदद की थी। इस मौके पर खास तौर पर मैं बधाई देना चाहूँगा जिहड़ियां संस्थावां खास तौर पर अगे आईयां, राधा स्वामी डेरा व्यास, दुख निवारण गुरद्वारा की मैनेजमेंट सरदार कृपाल सिंह प्रधान साहब, जगन्नाथ फूड फॉर लाइफ, जिन्होंने हर जरूरतमंद कई गुरुद्वारे, कई मंदिर कमेटियां जिहड़ियां इस मौके पर अगे आईयां, जिन्होंने ड्राई राशन से कुछ फूड पहुँचाण प्रशासन की मदद की थी। मैं प्रशंसा करना चाहूँगा सारे सफाई कर्मचारियों, कारपोरेशन की, उन्होंने अफसर साहबाना की, जिन्होंने शहर गंदगी ना बदल दी, इतने सफाई करके लोगों की मदद की, उन्होंने मेहनत सदका ही बीमारी रोकने प्रशासन सफल हो सकया। प्रशंसा करनी बनती है पुराने DC साहबान की, श्री प्रदीप अग्रवाल जी की, जिन्होंने दिन रात एक की घर घर राशन पहुँचाने से, उन्हों की टीम, उन्होंने SDM साहबान मल्ली साहब और बैंस साहब उदों जोड़े हूँ ADC साहब ने, उन्होंने मेहनत की दिन रात एक कर, किसी भुखा सौन नहीं दिता, हर घर राशन पहुँचाया, जरूरी वस्तुओं की सप्लाई सुनिश्चित की, लोगों तक पहुँच सके, कारपोरेशन साढ़े मेयर साहब, उन्होंने टीम, उदों के कमिश्नर साहबान, ये बधाई के पात्र ने। और मैं खास तौर पर रिटायर्ड ऑफिसर ADC सके इकबाल सिंह संधु, उन्होंने उन्हों की टीम का जिक्र करना जरूरी समझूंगा, जो कोरोना की डैथ कोई संस्कार करन नूं अगे नहीं, परिवार के बंद आए, उन्होंने अगे वध के जिहड़े कोरोना के साडे मृतक शरीर सीगे उन्हों का संस्कार किया। और अज की तरीक जे तारीफ करनी बनती है तो सब तो वह तारीफ साड़ी पुलिस फोर्स सत्कारयोग कमिश्नर साढ़े राकेश अग्रवाल जी, जिन्हों की सुचजी अगवाई अफसर साहबान साढ़े मुलाजम 24 घंटे अणथक मेहनत करते रहे, जिथे उन्होंने कानून व्यवस्था बना के रखी, तो लोगों तक मदद पहुँचाने जो उन्होंने काम से वह काबिले तारीफ से, पुलिस का एक नवा रूप समाज के सामने लैके आए, जिदे नाल अज सारे पासे पुलिस की प्रशंसा भी हो रही है। पुलिस ने कुर्बानियां भी दित्तियां, ACP कोहली साहब सेवा करते इस बीमारी के शिकार हुए तो अज साढ़े विच नहीं रहे, पुलिस ने तैयार किए वलंटियर जिहड़े अज COVID-19 सारिया गाइडलाइनस नूं लागू करन लई पुलिस की मदद कर रहे हैं, मैं उन्हां दा धन्नवाद करना चाहूँगा। मैं धन्नवाद करना चाहूँगा सारी डॉक्टर फैकल्टी का, डॉक्टर विश्व मोहन का, डॉक्टर राजेश महाजन, डॉक्टर बग्गा साढ़े सिविल सर्जन, तो उन्हां दी टीम का, जिन्होंने लोगों नूं मैडिकल सुविधावां उपलब्ध कराने बहुत मदद की। लॉकडाउन खुलन तो बाद शहर नूं दोबारा पटड़ी ते लैके आने लई सारे तैयार सन, ते जदों लॉकडाउन खुलन तो बाद इकोदम केसां दी तादाद वधनी शुरू हुई, तो हस्पतालां नूं तैयार करना, देश विदेश तो आने वाले लोगों नूं इंतजाम करना, लैवल 1, लैवल 2, लैवल 3 दे बैड तैयार करन च जिथे अज सब तो मोहरे होके लड़ाई लड़ रहे ने, मैं धन्नवाद करूँगा ते प्रशंसा करूँगा DC साहब वरिंदर शर्मा जी की, खास तौर पर उन्हों की टीम ADC संदीप कुमार उन्हों की जेडे अगे वध के प्रबंध कर रहे हैं, तो मैनू खुशी है अच्छे अनाउंस करते हैं लोगों के बीच भी आने वाले टाइम ना कोई इस इलाज लई बैड्स की कोई कमी महसूस की जाएगी। इन्होंने बहुत अच्छी तरह सारा प्रबंध सारे प्राइवेट हॉस्पिटल उद्योगपतियों की मदद नाल, और खास तौर पर IMA की मदद तो बगैर भी कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि जिन्हें डॉक्टर्स ते मैडिकल पैरामेडिकल स्टाफ उन्होंने मुहैया कराया, उन्होंने आप एक हॉस्पिटल अगे वध के एक अडॉप्ट करिया लॉर्ड महावीरा हॉस्पिटल, तो उत्थे भी 25 बैड जिहड़े बना के 50 बैड करन दा उन्होंने विश्वास दवाया होया। मैं डॉक्टर सोफती और डॉक्टर पटियाल दा धन्यवाद। प्रेस द बेल आइकन फॉर न्यूज़ अपडेट्स।